अभी तो नहीं आ सकती अम्मी, अभी वीकेंड पर ही तो आई थी वो। अम्मी दरअसल घर की सेटिंग चेंज कर रही हूँ ना, इसलिए। जी ठीक है, मैं संडे को आ जाऊंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप रूही से कहिएगा कि खाना मेरे घर के लिए भी पैक करना होगा फिर। जमशेद बिल्कुल ठीक है जी, मैं कह दूंगी। अल्लाह हाफिज। अम्मी प्यार दे रही थी आपको। वो रूही के बारे में क्या कह रही थी? अरे कुछ नहीं, बस ये कह रही थी कि रूही संडे को खाना बना रही है, तो तुम दोनों भी आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। वो खाना भी अच्छा बनाती है। भी से क्या मतलब है तुम्हारा? भाई वो खुद अच्छी है तो खाना भी अच्छा बनाती है। ये तुम्हारे बात को सीरियस क्यों ले लेती है? सीरियस क्यों ना लूं? एक मर्द अपनी बीवी के सामने खामखा किसी दूसरी औरत की तारीफें कर रहा है, तो क्या बीवी खुश होगी? और वैसे मैं एक बात नोट कर रही हूँ, तुम रूही के टॉपिक में आजकल कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम इस बात को छोड़ो और ये मालूम करो कि ये रूही साहिबा है कौन, कहां से आई है, रहती तुम्हारे घर में है, शौहर उनका मर चुका है, तुम्हारा कुंवारा भाई भी वहां रहता है। जरा ये मालूम करो कि वो कहां आती जाती हैं। जमशेद, मैं तुम्हारी नीयत से ना अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। तुम कोई भी बात बगैर मकसद के नहीं करते। तुम मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ। मेरे सामने रूही का जिक्र करना बंद करो। रूही मेरा और मेरे घर वालों का मसला है। और रहने दो, घर वालों का मसला है, उस औरत के कैरेक्टर का मालूम कर लो जिसके पीछे तुम अपने शौहर को भाषण दे रही हो। कल को अफसोस होगा कि किस औरत के लिए अपने शरीफ शौहर पर शक कर रही थी। अच्छा, तुम जैसा शरीफ और ईमानदार शौहर तो किसी नसीब वाली के ही किस्मत में हो सकता है, और मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है जो मेरी शादी तुमसे हो गई।